राजनीति से जुड़ी हर खबर चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। भारतीय सेना में एक बात जरूर होती है कि वो लोग आदमी से ज्यादा कुत्ते पर भरोसा करते हैं। ये बात आप सभी लोग जानते ही होंगे कि आदमी से ज्यादा वफादार कुत्ता होता है, लेकिन आज हम आपको कुत्ते को लेकर एक चौंकाने वाली जानकारी देने जा रहे हैं, जिसका खुलासा आरटीआई के हवाले से किया गया है। बता दें कि कुत्ते की वफादारी सेना में अधिक देखने को मिलती है। भारतीय सेना में कई कुत्ते तो ऑफिसर रैंक के भी होते हैं, लेकिन सेना में शामिल कुत्ते जब रिटायर होते हैं तब उनके साथ क्या होता है, इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हालांकि भारतीय सेना में जो कुत्ते काम करते हैं और जब वो रिटायर हो जाते हैं तो सेना उन्हें गोली मार देती है, इस बात को लेकर कई लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, लेकिन कुत्तों को मारने के पीछे सिक्योरिटी की वजह बताई जाती है। दरअसल आर्मी का ऐसा मानना है कि रिटायरमेंट के बाद कुत्ते किसी ऐसे आदमी के हाथ ना लग जाएं जो देश के लिए खतरा बन जाए, क्योंकि कुत्तों को आर्मी की लगभग सभी खुफिया जगहों के बारे में पता होता है। सेना के हवाले से बताया जाता है कि जब कुत्ते बीमार होते हैं तो उनका इलाज कराया जाता है, लेकिन एक महीने के इलाज के बाद कुत्ते की हालत में सुधार नहीं होता है तब उसे गोली मार दी जाती है। आपको पता ही है कि भले ही ये कुत्ते बेजुबान हो पर इनके अंदर भी जान है। सेना के पास इतना फंड तो होता ही है कि उन कुत्ते की अच्छे से देखभाल कर सके, क्योंकि ये कुत्ते भी देश के लिए काम कर रहे हैं।